हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्वाद का खजाना। सो इस वीडियो में आज हम बनाने वाले गर्मा गर्म आलू के पराठे, जो कि बेहद ही टेस्टी तरीके से मैं आज बनाने वाली हूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल मसालों का यूज़ करती हूँ, आपको पता है, और सिंपल मसालों के साथ में मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। और बहुत से लोगों की ये परेशानी रहती है कि हमारे आलू के पराठे नहीं फूलते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि क्यों नहीं फूल पाते हैं। तो इस वीडियो में आज सारा मैं आपको बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं आलू के पराठे। तो फ्रेंड्स, आलू के पराठे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 किलो आलू, और बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आलू ले सकते हैं। आप आधी किलो के बना रहे हैं, 1 किलो के, तो मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। और अब मैं इनको कुकर में डाल के 2 सीटी पकाऊंगी। और याद रखिएगा कि हमें आलू को इतना उबालना है कि आलू फटे ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं आलू को उबालूंगी। मैंने आलू को उबाल लिया था, उबालने के बाद मैंने आलू छीले थे, छीलने के बाद मैंने इनको ऐसे इस तरीके से मैश कर लिया था। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आलू उबालने के बाद, मैश करने के बाद हमें इन्हें 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। 5 से 7 मिनट तक हमें इसलिए रखना है ताकि इन आलूओं में अगर थोड़ा बहुत पानी है तो पानी ना रहे, वो भाप से उड़ जाए, ठीक है। तो ये जब पानी बिल्कुल सूख जाएगा, 5-7 मिनट तक हमें रखना है, तो इसका पानी सूख जाएगा। 5-7 मिनट रखने के बाद फिर हम इसमें मसाले डाल के अच्छे से मैश करेंगे। तो 1 किलो आलू में मैं मसाले डाल रही हूँ। ये 5 चम्मच छोटी चम्मच नमक, 1, 2, 3, 4 और ये 5 चम्मच मैंने नमक लिया है। और अभी मैं इसमें 3 चम्मच लाल मिर्च डालूंगी। ये मैंने 3 चम्मच लाल मिर्च ली है। और ये मैं डालूंगी पिसा हुआ धनिया, 3 चम्मच पिसा हुआ धनिया जरूर होना चाहिए, इससे हमारे पराठे में काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और 1 चम्मच मैं लूंगी इसमें गरम मसाला। सारे मसाले डालने के बाद अभी मैं इसमें लूंगी ये बारीक कटा हरा धनिया। मैं इसमें ये हरा धनिया डाल दूंगी और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो मैंने आलू में मसाले डाल के आलू को अच्छे से मसाले के साथ में मैश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि वो ये चीज़ बोलते हैं कि हम जब पराठे बनाते हैं तो हमारे पराठे फट जाते हैं, आलू बाहर आने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, उसका ये रीज़न होता है कि आलू में पानी घुस जाता है। तो जब भी आप आलू उबाल रहे हैं, मैंने आपको बताया था, जब भी आप आलू उबाल रहे हैं तो आलू को थोड़ा, मतलब फटे ना, इस तरीके से आलू को उबालें कि आलू है जो हमारा फटे नहीं, ठीक है। तो उसके बाद उनको, आलू को निकाल के हमें एक प्लेट में रख लेना है और तुरंत छील लेना है और मैश करके उसको 5 से 7 मिनट तक छोड़ देना है, क्योंकि उसमें जो भी पानी बचा हुआ होगा वो भाप के जरिए उड़ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न हमारा ये होता है। और सेकंड रीज़न ये है कि आटा ज़्यादा टाइट ना लगाएं और ना ही ज़्यादा मतलब गीला लगाएं, नॉर्मल आटा आप लगाएं और हल्के हाथ से उसको बेलें तो आपके पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे। आज मैं आपके सामने पराठे बना के दिखाऊंगी और हमारे पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आटे की लोई बना ली है, अभी मैं इसको बेल के और इसमें आलू भर के आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमें इतनी रोटी, ये छोटी सी साइज की रोटी बेल लेनी है, उसके बाद हमें 1 से 1.5 चम्मच आलू का ये पेस्ट रखना है। अभी इसके बाद मैं आपको इसको बेल के दिखाऊंगी कि हमारा पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा। तो फ्रेंड्स, आलू को हमें इसमें इस तरीके से बंद कर देना है, ठीक है, और फिर इसके बाद हमें इसे बेलना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा आलू का पराठा है, कितने अच्छे तरीके से बेल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा कितना अच्छा और फूला फूला बना है और कहीं से फटा भी नहीं है। हमारा पराठा फूल के कितना अच्छा बना है, ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा हमारा ये पराठा बना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आलू का पराठा बनके तैयार है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो आलू का पराठा है बिल्कुल भी फटा नहीं था और कितने अच्छे तरीके से ये पराठा हमारा फूल गया था।
तो आपको जो जो मैंने वीडियो में बातें बताई थी, आप उन बातों का ध्यान रखें और पराठा अच्छे से बनाएं। तो फ्रेंड्स, आप ये आलू के पराठे पे बटर और रख के और साथ में दही हो तो पराठे खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और फिलहाल बारिश का मौसम चल रहा है और उसमें गरम गरम आलू के पराठे, वाह, मुंह में पानी आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।